हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की रैबिट आर्किटेक्चर की क्लास के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वॉल्स को क्रिएट करते हैं, डोर विंडोज को क्रिएट करते हैं और फर्नीचर को इंस्टॉल करते हैं अपने फ्लोर प्लान में। तो दोस्तों, ये हमारी सिक्स क्लास है और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पीछे की क्लासेस को भी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर क्लास को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डोर विंडोज को इंस्टॉल करने से पहले हम ये सीखेंगे कि डोर विंडोज एक्चुअली होते कितने साइज के हैं और कहाँ पर इनको फिक्स किया जाता है। देखिए, डोर का तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 4 फीट बाई 7 फीट का मतलब 1200 बाई 2100 का, ठीक। उसके ऊपर लिंटल बीम डाला जाता है डोर के बिल्कुल फ्रेम के ऊपर, लिंटल बीम बोलते हैं इसको, लिंटल बीम, ताकि हमारा जो ब्रेक वर्क होता है डोर के ऊपर उसका लोड जो हमारा डायरेक्टली डोर के ऊपर ना आए और जिससे कि डोर पे हमारे किसी भी तरह का ब्रेक वर्क का लोड आके जो है इंपैक्ट ना हो। मतलब कई बार देखा होगा डोर खुलने और बंद होने में दिक्कत होती है, वो इसीलिए होता है कि उसके ऊपर लिंटल बैंड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद जो है हमारे जो विंडो होते हैं वो सिल बैंड के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। सिल बैंड मतलब फ्लोर से हमारे 650 पे एक सिल बैंड डालते हैं। इस तरीके का सिल बैंड आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सिल बैंड होता है और इसके ऊपर जो है हमारा विंडो रखा जाता है। मतलब इस लेवल पे जो है हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं। विंडो का हाइट भी जनरली जो है 1200 mm का होता है, ठीक है, और विड्थ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डबल हिंज है या सिंगल, इसको डबल पदाम बोलते हैं, सिंगल पदाम वाला भी कई लोग लगाते हैं, वेंटिलेटर्स लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट किस लेवल पर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, क्या साइज के रखते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर, वहाँ पर जो है इंस्टॉल एक नई शीट को क्रिएट करते हैं और उसमें डोर विंडोज और वॉल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं। तो हर रोज की तरह जो है हम लोग इसको ओपन करेंगे। यहाँ से शीट को हमने नई एक ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक वॉल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से गए और हमने एक वॉल क्रिएट कर दी इस टाइप से, ठीक है। ये हमारी जो है वॉल क्रिएट हो गई है, ठीक। उसके बाद जो है हम इस पे डोर्स को फिक्स कर देते हैं। यहाँ डोर पे जाएंगे और यहाँ फिक्स कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे जैसे आप डोर को इस वॉल के ऊपर ले जाएंगे तो ये ओपनिंग पूछेगा कि बाहर की तरफ ओपन करना है कि अंदर की तरफ ओपन करना है। आप चाहें तो जैसे आप डबल कहते हैं ना, डबल पदाम वाले होते हैं जिसमें कि दो शटर लगा सकते हैं आप, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ खोलने वाला जो होता है, तो वो आप चाहें तो इस तरीके से भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये होता है, देखिए ये बाहर की तरफ ओपनिंग खुल रहा है और जो है ये अंदर की तरफ, मतलब कई बार लोग जाली वाला दरवाजा लगाते हैं वो बाहर की तरफ खोलते हैं और अंदर जो है मेन जो फ्लश डोर होता है वो अंदर की तरफ खुलता है, तो ये आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपने अंदर की तरफ खोलना है तो अंदर की तरफ खोल दीजिए और आप जो है इस तरीके से नंबर ऑफ डोर जो है वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 3D में देख लेते हैं। तो हमारी ये वॉल्स क्रिएट हो गई है और उसके बाद जो है हमारा वॉल क्रिएट होने के बाद जो है ये हमारे डोर्स भी लग गए हैं। तो यहाँ से हम 3D व्यू में चलते हैं, यहाँ से रियलिस्टिक में चलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, सिंगल फ्लश डोर है, मतलब इसमें डबल एक ही पल्ला है, ठीक है, एक पल्ले वाला दरवाजा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है एक पल्ले वाला, अब हम चाहते हैं कि डबल पल्ले वाला यहाँ पर हम लोग डोर फिक्स कर दें। एक मेन डोर जो है हमारा डबल जो है उसका हो, डबल पदाम वाला हो, तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से लोड फैमिली में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे फैमिली को लोड कर देते हैं, डोर्स की फैमिली को, सॉरी डोर की फैमिली को हम यहाँ से चूज करते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो डबल स्लाइडिंग डोर है, डबल ग्लास डोर है, आप कैसे डबल पैनल डबल फ्लश डोर भी है, आप इसको चूज करना चाहें इसको चूज कर सकते हैं। हमने इसको चूज कर लिया तो हम यहाँ पर जो है इसको फ्लश डोर पे लगा देते हैं। आप देखिए इसको 3D में देख लेते हैं कि 3D में ये कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका डबल जो है फ्लश डोर आपका लग चुका है, ठीक है, ये वाला दरवाजा देख रहे हैं आप, ये इस तरीके। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी जगह पर जो है हम लोग एक फ्लश डोर की जगह जो है हम लोग वो वाला लगा दें, ग्लास वाला लगा दें, तो आप इसकी जगह ग्लास वाला भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से स्लाइडिंग और डबल ग्लास डोर, ये वाला आप लगाना चाहें तो ओके यहाँ से कर दीजिए, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब इसको देख लेते हैं 3D में, ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा लग गया। अब हम साइज़ देख लेते हैं इसका, साइज़ क्या है। तो यहाँ से गए हम लोग, साइज़ जो देख रहे हैं इसका विड्थ है ये 1700 और हाइट है इसकी 2100, तो 2000, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं 2100 और इसको चौड़ाई कर देते हैं 2400, ठीक है, 2400 और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए आपका जो साइज़ है ना वो बढ़ चुका है दरवाजे का, देखेंगे आप। और हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ से इसको हटा देते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ वॉल के फेस से जो है हमारा ये जो है 2 मीटर छोड़ के हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से जो है ना, हम इसको यहाँ से 2 मीटर अगर करना चाहेंगे, आप 2 मीटर पे फिक्स करना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस वॉल को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से जो है आप इस डायमेंशन को फिक्स कर ले। देखिए ये जो है इसका जो स्टार्टिंग फेज है ना 2 मीटर पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर डोर को फिक्स कर सकते हैं। अब हम विंडो को फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से गए विंडो में और यहाँ से जो है हम लोग सीधे ही विंडो को फिक्स कर लिया, ठीक है, ये हमने विंडो को फिक्स कर लिया। 3D में देख लेते हैं। अब देखिए 3D में अभी हमने देखा विंडो जो है नीचे से जो सिल लेवल पे होता है, ठीक है, तो वो सिल लेवल कितना होता है, 650 होता है। तो यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, देखिए 650 पे आ गई है। अगर आप इसका भी करना चाहें तो यहाँ से 650 चूज़ कर लीजिए, 650, ठीक है जी, ये फ्लोर से जो आपका 650 आ गया। अगर आप इसकी भी चेंज करना चाहते हैं, इसकी जो है डबल वो वाला पलाम वाला लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। कैसे, विंडो में गए और यहाँ से लोड फैमिली कर लीजिए, यहाँ से डोर की जगह जो है विंडो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाई देंगे विंडो जो है आपके, ठीक है, डबल वाले जो हैं, डबल वाले कैसमेंट डबल, यहाँ से आप किस तरह का चाहते हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे, डबल हिंज वाला,
ठीक है, इस तरीके से डबल हिंग आर्च ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, कैसा आप चाहते हैं, डबल फिक्स्ड वाला चाहते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं, यहाँ से ट्रिपल वाला भी है इस तरह का, जो तीन वाले बनाते हैं एक बीच में बड़ा विंडो और जिसमें दो वाले, इस तरह से हम लोग देखे होंगे अपने घरों में इस तरह से लगे हुए, ठीक है। तो आप जिस तरीके भी के चाहते हैं हम इस तरीके को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर जो है, और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर फिक्स कर लीजिए इनके बीच में। तो अब इसका जो है आपको हाइट रखना है नीचे से, तो वो आप चाहते हैं इसका हाइट चेंज करना तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डोर विंडो को यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है एनालाइज में जाके जो है दोस्तों, यहाँ से अगर आप इसमें फर्नीचर भी चाहते हैं ना, तो फर्नीचर भी आप इसमें फिक्स कर सकते हैं, सारी फैमिलीज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें जो है इंटरनेट पे जाके भी जो है अपने लिए नई फैमिलीज को भी जाके चूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे जाइए यहाँ से जो है। और जो है दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप जो है रेविट को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, प्राइमेवेरा सीखना चाहते हो, क्वांटिटी सर्वे सीखना चाहते हो, ऑटोकैड सीखना चाहते हो, या जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सीखना चाहते हो, या दूसरी लैंड सर्वे में ऑटो लेवल, टोटलाइजेशन, एक्सेल और भी बहुत सारी स्किल्स को अगर सीखना चाहते हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में इस स्किल्स को सीख सकते हैं। और इंसर्ट में जाएंगे यहाँ से आप लोड फैमिली में, या देखिए अब क्या होता है, एक चीज मैं आपको कह रहा था कि इसमें हम लोग अलग अलग लोड फैमिलीज कैसे करते हैं, तो देखिए इंसर्ट में जाएंगे लोड फैमिलीज में, लोड फैमिली में जाके ना आप इसको बहुत सारी फैमिलीज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें जो है यहाँ से दूसरे कंपोनेंट्स को डाउनलोड करना, मतलब कि आप चाहते हैं फर्नीचर वगैरह को इंस्टॉल करना, तो यहाँ से आप जाएंगे ना आर्किटेक्चर में जाएंगे, यहाँ से जो है ये कंपोनेंट कंपोनेंट है, यहाँ से प्लेस इन प्लेस अ कंपोनेंट चूज कीजिए, और यहाँ से जो है आप जैसे ये देखेंगे यहाँ पर मैंने एक टेबल जो है फिक्स कर लिया है। देखिए अगर मैं इसको आपको 3D में दिखाऊं, तो ये जो है टेबल यहाँ पर अंदर फिक्स हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए आप देखेंगे ये टेबल यहाँ पर जो है फिक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से आप और भी फर्नीचर को यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे लोड फैमिली में गए, यहाँ से जो है विंडोज़ की जगह पे आप फर्नीचर को चूज करके भी फर्नीचर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फर्नीचर में जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फर्नीचर, ये है फर्नीचर, ठीक है। और यहाँ से आप क्या क्या चाहते हैं, स्टोरेज हो गया, बेड्स हो गया, अगर बेड चाहते हैं तो बेड को भी यहाँ से जो है ये इस तरह से होटल बेड है, होटल हॉस्पिटल जो है बेड्स, इनको जो है आप फिक्स कर सकते हैं, या दूसरे जो बेड्स हैं उनको भी आप जो है यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी चाहते हैं वो यहाँ पर आप जो है फिक्स कर सकते हैं, फर्नीचर वगैरह को भी फिक्स कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे और भी हम चीज़ें सिखाएंगे, और भी चीज़ों को हम लोग इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप अपनी स्विमिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग शेड्यूल, रेटल रिव्यू, प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल, टोटलाइजेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं, क्यों किसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप पांचवी से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर तक क्यों नहीं है, सीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।